व्यूअर्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी और ये हमारे दो कलर में डिज़ाइन पड़ा है और तीन तीन के मल्टीपल से फंदे हमने डाले हैं। तो राइट साइड से इस तरीके से दिखता है और रॉन्ग साइड से ऐसा दिखता है। तो ये छोटे बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉक में, इसे आप कार्डिगन में बना सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी ये बिल्कुल मोती जैसा लगता है, जैसे मोती इसमें लगे हुए हैं। तो आप किसी भी कलर में इसे आप बनाएं, तो मैंने पिंक और ब्लैक में बनाया। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं और दो सलाई मैंने ऐसी बुन ली हैं। आप बॉर्डर बनाने के बाद में इस डिज़ाइन को डालें। तो मैंने इसमें दो सीधी उल्टी सलाई बुन ली हैं। तो ये हमारी पहली सलाई है, तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये दो फंदे हैं, एक और दो। दो फंदों को इस तरीके से सिलाई पे लेंगे और ऐसे घुमा के इस सिलाई पे लेके, और ये एक फंदा और इसमें लेंगे, तो ये तीन फंदे हो गए। तो तीन फंदों का हम तीन फंदे बनाएंगे। एक बन गया, उनको अपनी तरफ किया और इसी में से एक बार और ऊन बनाए डाली और ये हमारे तीन फंदे बन गए। तो ये तीन फंदे बन गए हमारे इसी तरीके से। फिर ये दो फंदे और ऐसे सिलाई में घुमाएंगे और ये फिर इस साइड में एक फंदा है, इसको भी लेंगे साथ में, और ये तीन फंदों के हम तीन फंदे बनाएंगे ऐसे। फिर एक बार इसमें ऐसे घुमाई और ये हमारे फंदे बन गए। तो ये हमारी पूरी सिलाई इसी तरीके से जाएगी, ये दो फंदे ऐसे सिलाई में घुमा के, और ये तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीन फंदों को साथ में लेके ऐसे एक फंदा उनको अपनी तरफ किया और फिर एक फंदा बनाया, तो हमारा एक फंदा ये ऊन को घुमाने से बन जाता है। फिर अगले दो फंदे हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे ढीला करके ऐसे घुमाएंगे और साथ में एक फंदा और लेंगे, तो ये तीन फंदों में तीन फंदे बनाएंगे ऐसे। फिर ये दो फंदे ऐसे सिलाई में घुमा कर फिर इसी सिलाई में लेंगे और ये तीन फंदे बनाएंगे ऐसे, उनको अपनी तरफ किया फिर एक फंदा बनाया, लास्ट में एक फंदा सीधा बन गया। तो पहली सिलाई और पहली सिलाई हमारी इस तरीके से बन गई है। हमारी दूसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई को पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना के ये दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे जो भी हमने बनाए हैं, इन सब फंदों को एक साथ ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनाते हुए इसको जाएंगे। हमारी सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई को हम इसमें एक कलर जोड़ेंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा और बुन लेंगे ऐसे, और यहाँ बीच में हम एक डालेंगे। आप कोई भी कलर लगाएं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इसमें रेड कलर लगा रही हूँ, तो इसको हम ऐसे जिस तरीके से आप जोड़ते हो उस तरीके से आप जोड़ लें, और ये फंदा हमारा एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और इसी में से एक फंदा और बनाएंगे। तो ये तीन फंदे बन गए। फिर सिलाई को ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद में ये तीन फंदे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन। फिर सिलाई को घुमाएंगे और इस तरीके से तीनों फंदे एक साथ घटा देंगे, तीनों फंदों का एक कर देंगे ऐसे। फिर ये ऐसे गोल गोल सा बन गया, इसको ऐसे रख के फिर इन फंदों को बुनेंगे। तो अब हम वाइट कलर से दो फंदे बनाएंगे, एक और दो। दो फंदे बन गए हमारे, बीच में ये फंदा है, इसमें हम फिर तीन फंदे बनाएंगे ऐसे, एक उनको अपनी तरफ किया और ये तीन फंदे बनाए। फिर सिलाई घुमाएंगे और इन तीन फंदों को बुनेंगे। फिर सिलाई घुमाएंगे और ये तीन फंदों को एक कर देंगे, तीनों का एक फंदा बनाएंगे। उसके बाद ये जो ऐसे गोल गोल सा बन जाता है, इसको हम ऐसे सिलाई में रख के ऐसे, और ये दो फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, एक दो।
फिर बीच का फंदा है, ये दो के बाद में फिर हम इसमें तीन फंदे बनाएंगे ऐसे, एक ऊन को अपनी तरफ किया और ये तीन फंदे बने, फिर सिलाई को घुमाएंगे ऐसे और तीन फंदों को सादा बनेंगे ऐसे सीधा सीधा उल्टा उल्टा, उसके बाद ये तीनों फंदों को हम एक साथ लेके और एक फंदा बनाएंगे इसका, और फिर दो फंदे वाइड, फिर ये बीच में, फिर हम उसी तरीके से जैसे हमने बनाया ऐसे एक दो और तीन बनेंगे, फिर सिलाई को घुमाएंगे, तीन फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे, फिर सिलाई को घुमाएंगे और इस तरीके से तीनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे और ये दो फंदे वाइड, फिर एक फंदे में तीन फंदे, फिर सिलाई को घुमाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर सिलाई को घुमाएंगे और ये तीनों फंदों को एक कर देंगे। तो हमारी ये तीसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई इस तरीके से बनाई जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जैसे मोती जैसे लग जाते हैं ऐसा ये डिज़ाइन दिखेगा। अब हमारी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई को ये दो फंदे वाइट है इनको हम रेड करेंगे, रेड सलम ऊन से बुनेंगे ऐसे, और जो रेड है उसको वाइट बनाएंगे, जो वाइट है उसको हम रेड से बनाएंगे, और जो रेड है उसको हम वाइट से बनाएंगे ऐसे, जो वाइट है उसको हम रेड से बनाएंगे। तो हमारे दो फंदे रेड हो गए हैं और एक फंदा हमारा वाइट हो गया। हमारी चौथी सिलाई बन गई है और डिज़ाइन भी इस तरीके से आपको ये दिखने लगा है। तो अब इसके ऊपर हमारी जो वाइट सिलाई हम बनाएंगे इसमें, तो हमें पूरी सीधा सीधा बुनते हुए इसको जाएंगे। पूरा इसको सीधा बुनते हुए जाएंगे ऐसे, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। और डिजाइन हमारा ऐसे दिखने लगा है, उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी जाएगी। तो पूरी सिलाई हमारी उल्टी बन गई है। अब इसी के ऊपर आप दोबारा से फिर जैसे हमने नीचे पहली लाइन बनाई थी इसी तरीके से इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाएं, जैसे हमने ये चार सिलाई बनाई थी ऐसे ही इसके ऊपर से दोबारा बनेगी। तो हम इसको एक सिलाई बता देते हैं, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये दो फंदों को ऐसे घुमाएंगे और इस सिलाई पर ले कर तीन फंदों में तीन फंदे बनाएंगे। ऐसे फिर ये दो फंदे और फिर इनमें तीन फंदे बनाएंगे। तो बस इन्हीं चार लाइनों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये खूबसूरत सा बबल्स वाला ये डिज़ाइन बन जाएगा और ये बच्चों के स्वेटर में कार्डिगन में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदे सिलाई पे लेके और तीन फंदों का तीन फंदा बनाना है। दो फंदे लिए और
फिर इस एक फंदे को लेके तीन फंदे पूरे, और इन तीन फंदों में तीन फंदे बनाने। तो ये हमारा ऐसे बन गया डिज़ाइन। इसके ऊपर फिर वो एक उल्टी सिलाई जाएगी, और फिर जैसे उल्टी सिलाई हुई है उसके ऊपर आप इसी तरीके से इस पैटर्न को दोहराएं, तो ये ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके ऊपर आप फिर बनाएं तो इस तरीके का डिज़ाइन बन जाएगा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।